होगी और मैं जागते मुझे क्या पता था ये तो है भी सीन हो गया। अरे तुमने सुना है गुलनाज की बात? मैं फजूल और बेकार बात सुनने के कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब बात तुमने सुनी नहीं है तो तुम्हें पहले से पता है कि वो फजूल बात है। तुम्हारी गुलनाज के मुंह खुलने से पहले ही पता लग जाता है कि कोई बहुत ही बेकार बात आने वाली है। मैं देख रहा हूँ तुम बिला वजह ही जो है ना गुलनाज के खिलाफ होती जा रही हो। उसके खिलाफ होने के लिए ना मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। गुलनाज के मामू आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? उसका मामू आए चाचा आए फूफा आए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई उसका घर है जिसे आने आके रहे। यार कैसी बातें कर रही हो? ज्यादा मीठी बातें सुनने का शौक है जाकर उसके पास बैठो। मेरे पास नहीं। ठीक है। आए हाय 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 तुम्हें तो मौका चाहिए ना उसके पास जाने का। अभी तो मैं जा रहा हूँ। ओए गुलखान शेरखान जवान जो भी नाम है तुम्हारा यार इधर आना। जी साहब बोलो। देखो दिखाओ। नहीं मेरा मतलब है कि मेरी बात गौर से सुनो। वो मेरी बीवी के मामू आ रहे हैं उनको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अंदर लेकर आना है। कौन से वाला बीवी का साहब? भाई क्या मतलब? मतलब ये साहब तुम्हारा इस घर में दो बीवी रहता है। हाँ? एक बड़ा बीवी एक छोटा बीवी। हाँ? तो कौन से वाले बीवी का मामू आता है? ओ, बड़ी वाली बीवी का। ठीक है साहब। और उनका नाम है रियाज। और मेरा नाम रियाज है गुलनाज का मामू। पहले नहीं कभी देखा तुम्हें यहाँ। पहले मैं यहाँ होते ही नहीं थी तो तुमने क्या मुझे ख्वाब में देखना था? अभी बात तो ठीक ही है तुमने। अब कहाँ का रहने वाला है तू? मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ। अरे मैं जानवरों पर तकीक कर रहा हूँ। कभी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे गाँव। तुम हर तरह का जानवरों के बारे में जानते हैं? हाँ हर तरह का। एक बात तो बताओ ये जो बगुला होते है ना बगुला ये अंडा देता है या बच्चा? यार ये बगुला कभी अंडा दे देता है और कभी बच्चा। बिल्कुल गलत। बगुला तो कोई जानवर ही नहीं होते। चला हट। सच्ची मामू जी तानू वेख के ना मैं बड़ा खुश होनी हूं। ताडे चो ना खुशबू आंदी है। क्या मतलब? और मैं लेडीज परफ्यूम लगाता हूँ? अरे नहीं मामू जी मेरा मतलब है खानदानी खुशबू। अब वो तो है। तू सुना जिंदगी कैसी गुजर रही है? बिल्कुल ठीक मामू जी। ताड़ा दमाद ना फैसल बहुत ही चंगा है बहुत ख्याल रखता है। अच्छा है सुनाओ ताड़े वास्ते की बनवावा? ओ कुछ भी बना लो। एक बात बताऊं इस मर्तबा मैं सिंध के जंगलों में निकल गया था। अच्छा की पढ़िया? मैं पिछली मर्तबा जब यहाँ गया था ना चिड़िया घर में तो वहाँ मैंने देखा एक खास किस्म का सांप नहीं है। सांप? यानी कि सचमुच का सांप? तो और क्या प्लास्टिक का। अब बड़ा खास किस्म का सांप है बड़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने। चलो ठीक है चिड़ियाघर देख लेंगे। और चिड़ियाघर जाने की क्या जरूरत है मैं अभी दिखा देता हूँ। की मतलब सब ताड़ी कोल है? हाँ मेरे बैग में है। क्यों? मैं तो कहता हूँ कि सांप को अपने घर में रख ले घर चोरों से महफूज रहेगा। पर ओदी वजह करके ना घर वाले महफूज नहीं रहेंगे। ओए तो कैसी बातें कर रही है? और मेरी भांजी होकर एक मामूली से कीड़े से डर रही है। है? मामूली कीड़ा खतरनाक सांप है वो। माना के खतरनाक होता है सांप इसके जहर से बंदा मर जाता है और ये भी माना कि इसको हाथों से पकड़ना नहीं चाहिए पर इससे डरना नहीं चाहिए। सारिया गल्ला मन रहे हो ते भी मन लो कि सब खतरनाक है। अगर इंसान को बहादुर होना चाहिए। बस मैं कहता बंद कर दे उन्हें। अच्छा अच्छा ये सांप कहाँ गया? मजाक कर रहे हो मामू जी? नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं। हाय मैं मर गई सांप इस कमरे से। हाय मेरा ख्याल है सोफे थले चला गया। नहीं नहीं हाय की करता है सारी सब छोड़ दिया। फड़ो इन्हें जल्दी। पकड़ नहीं सकता मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि सांप किधर गया। पकड़ेगा तो उसे सपेरा ही। सांप इस तरफ गया है। मैं
मर गई, इधर तक किचन है, इसका मतलब है किचन सांप चला गया। ओ, क्या मतलब है? सांप को भूख लगी है। मैं चौकीदार से बात करता हूँ, वो सवेरे का बंदोबस्त कर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ। आए हाय, मामू जी ने तो रफड़ी पा लेता, सांप ले आया इधर। आए मेरी खोटी किस्मत। क्या हो रहा है? हाँ हाय, तूने तो मुझे डरा ही दिया। उन जी मैं बड़ी परेशान हूँ। किस बात पे परेशान हूँ? अब सांप मतलब तुम। तुमने मुझे सांप का? तू खुद होगी सबसे बड़ी वाली सपनी। अमरीन, तुम तो ऐसी खामोखा मुझसे नाराज हो जाती हो, मैं तो तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। तुम्हें घर का सारा काम जो करना पड़ता है। तुम मेरे लिए परेशान हो? हाँ अमरीन, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। कोशिश करांगी कि ये परेशानी ना आज ही दूर हो जाए। गुलनाज, तुम कितनी अच्छी हो, और मुझे देखो, मैं हर वक्त तुमसे लड़ती रहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम छोटी हो ना, छोटों से गलती हो ही जाती है ना। हाय, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, मैं चाय बनाती हूँ, तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, अल्लाह, तुम्हारे सर में दर्द हो रही है, मैं लाती हूँ ना तुम्हारे लिए चाय, तुम बैठो, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ इलेक्ट्रिक केटल लेने। पता है कि अमरीन, केतली की चाय से ना मेरा सर का दर्द नहीं दूर होगा। चूल्हे पे चाय रख के ना खूब गाड़ के मुझे दे, मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। अभी लाती हूँ गाड़ के चाय। अच्छा सुनो, अच्छी तरह से लाना है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हो गया बाजी, खुदा हाफिज क्यों कह रही हो? किचन तक जा रही हूँ, कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। नहीं नहीं, क्या पता कहीं दूर चली जाओ, और मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दूर जाओ। लॉस तो बड़ी जज्बाती बातें करी हैं आप। अब जल्दी करो, वक्त जाया मत करो, ये ना हो कि वो कहीं दूर चला जाए। कौन कहाँ निकल जाए, क्यों कोई दूर निकल जाए, क्या बोल रही हैं? मतलब सर दर्द दर्द मतलब गर्दन, सर से गर्दन, गर्दन से कमर में ना चला जाए। हाँ बाजी, आज तो बड़ी जज्बाती हो रही हो, तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अभी लाती हूँ। लो सांप जी, आते गए हो, उन कम करके दिखाना। अल्लाह करे मरी जाए। ओ डस नहीं सांप जी। हेलो, अभी मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक दलेर आदमी हो, बहुत ही बहादुर, किसी से नहीं डरते। मैं तुम्हें एक काम कहूं तो कर दोगे? तो आप हुकुम तो करे साहब। तुमने कभी सांप देखा? सांप तो मैंने बहुत देखा है, इसमें कौन सा बड़ी बात है यार। और देखने से मेरा मतलब है कभी सांप पकड़ा है? ओ भाई, मैं सांप क्यों पकड़ूंगी, मेरा दिमाग खराब है। अगर मैं तुम्हें कहूँ सांप पकड़ लो तो पकड़ लोगे? अगर प्लास्टिक का होगा तो पकड़। हाय हाय, प्लास्टिक का सांप तो नहीं, हाले तक कटिया ही नहीं। अमरीन, तुम किचन में ही हो ना? हाँ जी बाजी, किचन में ही हूँ। अभी तक काटा क्यों नहीं? अमरीन, कुछ हुआ तो नहीं? क्या कह रही है, क्यों क्यों होगा, कुछ कुछ होना था क्या? काट लिया। क्या काटा अमरीन, क्या काट लिया बाजी? मतलब हाथ तो नहीं कट गया चाय बनाते हुए? मतलब बाजी क्या हो गया, चाय बना रही हूँ, छुरी से थोड़ी बनती है चाय। अच्छा तो फिर चीखी क्यों थी? ओहो, वो जरा सा हाथ जल गया था। फिटे मुंह मामू तेरा, सब भी ले आया थे फुस। अब बिल्कुल फुसकल सा, ये जो मिट्टी नहीं खाता सांप, वो पकड़ लोगे? अब अगर तुमने मुझे सांप पकड़ने का बोला, बोले सांप फुस हो, मैं तेरे को ठुस कर दे। तुम तो कहते थे मैं बड़ा दलेर आदमी हूँ, तुम तो बुजदिल निकले। वो इसमें बुजदिली का क्या बात है, वो सांप को मैं क्यों पकड़ू, उससे कोई मेरा रिश्तेदारी है, वाकिफकारी है। चल जा, किसी सपेरे को ढूंढ के ला। सपेरा मिल तो जाएगा, लेकिन वापसी में थोड़ा टाइम लगेगा, दो दिन लग जाएगा। वो क्यों, सपेरे इतने नायाब है या? ओ यार, वो पाक हो गए नापाक हो, हम गांव जाएगी, वहां से सपेरा लेके आएगी। उस वक्त तक तो सांप यहाँ बच्चे दे देगा। चलो जाओ, किसी को पकड़ के लाओ। चलो ठीक है, जाती है। क्या गिर गया, क्या रून?
रही हो? कुछ नहीं। गुलनाज तेरा चौकीदार से बड़ा बुजदिल निकला। सलामकुम मामू जान, कैसे हैं आप? कब आए और ये चौकीदार की बुजदिली की क्या बात कर रहे थे? ओ पुत्र, मैनू ते आया काफी देर हो गई है। वो वाली अमरीन नु दसया नहीं? छड्डो मामू जी, की दसना है नू? बच्ची है, एवें परेशान हो जाएगी। ओ नहीं नहीं, इसको बताना बहुत जरूरी है, एहतियात रहेगी। क्या नहीं पकड़ा जाता, किसकी बात कर रहे हैं? ओ पुत्र, मैं एक सप ले आया सी चिड़ियाघर से। गुलनाज को दिखा रहा था कि वो यहीं कहीं गायब हो गया। क्या है सांप? इस घर में जिंदा सांप है? पुत्र, मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो सीधा किचन आ गया। चुड़ैल, कितनी गुंडी है ये औरत, इतने ज्यादा भूत की मुझे किचन में भेज रहा था। मैनू की पता सी उठे सांप है? तुझे क्यों पता सी? फैसल, बुलाले बुलाले फैसल नू। रड़ो नहीं, पहले सांप लपिए। मामू कहाँ गया? सॉरी मामू, मैं जरा नहा रहा था, थोड़ा लेट हो गया। बड़े ज्यादा ही रिलैक्स हो रहे हैं आप लोग। बेहतरी इसी में कि तुम भी सोफे पे चढ़ के बैठ जाओ और रिलैक्स करो। क्यों भाई, तो जलजला आ रहा है क्या? अरे इतनी देर से पागलों की तरह यही तो चीख रही हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। जानी, तुम तो सारी जिंदगी पागलों की तरह चीखती रही हो, मैंने कभी नहीं नोटिस किया, तो अब कैसे नोटिस करूंगा? तुम्हारी गुलनाज ना तुम्हारी जिंदगी आसान करने वाली थी। सांप को भी शर्म आ गई। सांप? तू गलत समझ रही है, तू तो है ही गलत। गलत को गलत ही समझोगी ना? चुप रह भाई, क्या आपस में पहेलियां पूछ रहे हो तुम लोग? और मुझे तो बताओ हुआ क्या है। पुत्र, थोड़ी देर होल जमीन ते रहा ते तेरी पहेली कहानी बन जानी। यार ये आप लोग मुझे बार बार जमीन से क्यों डरा रहे हैं? इसी जमीन पे तो खड़ा हूँ मैं। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हें बेवकूफ, कि अगर जमीन पे खड़े रहे तो थोड़ी देर में जमीन के अंदर ही चले जाओगे। ये जो तुम्हारे प्यारे मामू जाने ना, ये सांप लाए थे, ब्रीफकेस से निकल के गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मामू सांप लाए? सच्ची मुच्ची का सांप? अपनी गुलनाज को बोलो जाके डोरबेल बज रही है, खोले जाके दरवाजा, मैं तो नहीं जा रही। क्यों, तुम अचानक चलना भूल गई हो या लत्ता खराब हो गई तेरिया? भाई ये दोनों तो है खवातीन और मैं तो अब जा ही नहीं सकता, तो मामू आपको जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा। पुत्र, मेरे सबको डर तो नहीं लगता, लेकिन भागते हुए सांप से डर लगता है। तो फिर कौन खोलेगा दरवाजा? किसी को तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। बेबी मुझे लगता है तुम्हें जाके खोलना चाहिए। मैं कैसे, मेरी एक टांग उधर और एक टांग इधर, मैं कहां से जाऊं नीचे? फिर तो गुलनाज ही बची यही जाएंगी। आ रहा हूं। सांप वो तो नहीं है? तलवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मैं अपना हक वापस लेकर जाऊंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। कौन सा हक? अबे ओ सांप, भाई सांप है। गुलनाज, मेरा जेवर मुझे वापस कर दे। अरे दफा हो जाए तो, असी बड़े परेशान है। हाँ तो जेवर वापस करना पड़ रहा है तो परेशानी तो होगी ना। चुप हो जा। चुप नहीं रहूंगा अब मैं, जेवर वापस कर। ओए होए, मुबारका मुबारका, सांप की ये नस्ल सिर्फ महीने में एक बार काटती है। जिंदगी हंसी होगी, अरमाए जागते, मुझे क्या पता था।